दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन जो है आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा घर बैठे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे करना है, पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए आपको गूगल में आना है, सर्च करना है ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली साइट जो आई मिलेगी आपको वृद्धा पेंशन यूपी पेंशन स्कीम, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन होगा। जब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और यहां से मैं आपको बता दूं कि एक थ्री डॉट का ऑप्शंस मिलेगा, यहां से आप चूज कर सकते हैं कि आपका कौन सा पेंशन चूज करना है। इस पर मैं क्लिक किया, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तीन पेंशन होता है। सपोज दैट वृद्धा पेंशन करना है, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद क्लिक होने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन आवेदन का, ठीक है। आपका जो भी होगा क्लिक कर दीजिएगा ऑनलाइन आवेदन का, आवेदन लॉगिन दो ऑप्शन मिलता है। तो मुझे करना क्या है, ऑनलाइन आवेदन करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। आप घर बैठे भी कर सकते हैं उसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद। इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन प्रकार से ओपन होगा। आपका ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरें। यहाँ पे आपको अपना जिला चूज करना है, आप किस जिले के रहने वाले हैं अपना जिला चूज कर सकते हैं। जिला चूज करने के बाद आप नगरीय क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं टिक लगाना है। उसके बाद अपना तहसील चूज करना है, आप कौन से तहसील के रहने वाले हैं वो तहसील अपना आप चूज कर सकते हैं। तहसील चूज करने के बाद आपको नीचे ऑप्शंस आता है आवेदक का नाम, आपका जो भी नाम होगा आप यहां पे चूज कर सकते हैं। आपका जो भी नाम होगा आधार कार्ड में वही नाम टाइप करना है। अब यहां से आप मेल हैं फीमेल हैं क्या हैं आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस एक देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप भी यहाँ से चूज कर सकते हैं अभी का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम चूज करना है, यदि लेडीज़ है तो पति का नाम यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी, आप OBC हैं SC हैं ST हैं चूज कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ता है, फिर दोबारा मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ता है और अपना पता टाइप करना पड़ता है कैपिटल अक्षर में। उसके बाद बैंक का डिटेल्स में आप बैंक का नाम चूज कर सकते हैं, बैंक का शाखा चूज कर सकते हैं कौन सा शाखा आपका है बैंक का। उसके बाद शाखा चूज करने के बाद आपको सिंपली करना है खाता नंबर, दो बार खाता नंबर अकाउंट टाइप करना है, FSC कोड टाइप करना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद सिंपली आपको आय प्रमाण पत्र का जो है इनकम एप्लीकेशन नंबर जो होता है ऊपर वाला वो और सर्टिफिकेट नंबर दोनों जो है टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इसमें आय प्रमाण पत्र लगता है आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे आपको रंगीन फोटो जो है अपलोड करना है और अपलोड जन्मतिथि में आप इसमें आधार कार्ड चूज कर सकते हैं, कोई भी जन्मतिथि आप अपना चूज कर सकते हैं स्कैन कर। आपको ध्यान देना है कि स्कैन कर आपको चूज करना है और यहाँ पे साइज बताया जा रहा है कि 20 KB होना चाहिए आपका फ़ोटो, तो फोटो 20 KB आप बना सकते हैं, मोबाइल से भी कंप्यूटर से भी बनवा लीजिएगा। और 200 KB तक आपका PDF होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड होगा आयु वाले में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र टिक लगाना है, कैप्चा करना है और सबमिट करना है। आपका फॉर्म 100% भर कर ओपन हो जाएगा और उसको आपको सिंपली जो है क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए आप सिंपली उसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशंस नंबर मिलने के बाद आपको फिर से आना है बैक। बैक जैसे ही आप आएंगे, बैक आने के बाद आपको आवेदन लॉगिन पे क्लिक करना है। आवेदन लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन संख्या मिल गया होगा, उसको नोट कर लीजिएगा। आवेदन लॉगिन पे सर्वर अभी बिजी है, तो आवेदन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मिल मांगेगा, वहाँ पे आपका जो आवेदन मिला रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो और उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद कैप्चा डालकर आप OTP भेज कर मोबाइल पर आसानी से लॉगिन हो लेंगे। लॉगिन होने के बाद सिंपली कुछ प्रोसेस नहीं होता, इसमें आपका आधार नंबर डालने का मांगता है, आधार ऑथेंटिकेशन आधार डाल दीजिएगा। उसके बाद लास्ट सबमिट कर हार्ड कापी आप प्रिंट कर सकते हैं और उसे समाज कल्याण ऑफिस में जमा कर आसानी से आपका वृद्धा पेंशन योजना बन जाएगा। इस प्रकार से आप भर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा।